शिनचिन, वैसे तो मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ हेयर शिनचिन के बारे में और मैं आगे भी देती रहूंगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको डिटेल्स ना बताई हो हेयर शिनचिन को लेकर। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो मैंने पूरा कोर्स जनरली डाला ही हुआ है, हर चीज आपको डिटेल में बताई हुई है। हेयर शिनचिन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होता, आपको ड्रायर करना ही पड़ेगा क्योंकि मिक्सअप मैच करने के लिए। आज हमारे पास है ब्लॉन्ड हेयर, मैम को नॉर्मल कलर चाहिए और मैम को लेंथ इतनी चाहिए, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं बहुत सारी डिटेल्स आपको बीच में बताती रहूंगी कि हेयर शिनचिन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। कोई भी हेयर शिनचिन हो, किसी भी आई टिप हो, ग्लू वाले हो, नैनो पिन हो, साइड इफेक्ट किसी भी शिनचिन से नहीं होता। अगर आप कॉम करते हो या आप अच्छे से ड्रायर करते हो, शैम्पू कंडीशनर अच्छे से करते हो और टाइम पे रिफिल कराते हो, अगर आप ये चीजें टाइम से करते हो तो आपके बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग कॉम नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है, शैम्पू कंडीशनर सेल्फ एफेक्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है। तो गाइज प्लीज, आप कोई भी हेयर शिनचिन कराते हो तो केयर करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैम की डेंसिटी देख सकते हो, मैम की जो लेंथ है इतने, हम 120 स्टैंड लगाएंगे, मैम को लेंथ इतनी देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हो, मैम बने रहे हमारे वीडियो में और मैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दूंगी। तो आप देख सकते हो, कलर चेक कर रहे हैं हमारे फरमान से मिल सकते हैं, तो हम कलर देखते हैं क्योंकि मैम के बालों में बहुत ही ब्लॉन्ड हेयर है और जो मैम के बालों की क्वालिटी है बहुत थिक हेयर है, बहुत ही हार्ड बाल है। काम चल ही रहा है हर जगह। कलर बिल्कुल मैच है और ब्लॉन्ड हेयर होने के बावजूद भी बिल्कुल एग्जैक्ट होना है। तो गाइस आप रिजल्ट देख सकते हो, मैम के थे जो बिल्कुल ब्लॉन्ड हेयर थे, हमने पहले कलर किया है फिर केराटिन किया देन हेयर स्ट्रेटन किया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मैंने आपको सारी वीडियो दिखाई हमने क्या क्या किया हेयर में, बस इसकी केयर जो भी होती है शैम्पू कंडीशनर ड्रायर एंड कॉम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हेयर बिल्कुल डैमेज नहीं होते। अगर आप केयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें आती ही नहीं है। मैंने सारी वीडियो इसी बेसिस पर बनाई हुई है, अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो एक नाम हेयर एक्सटेंशन का मैंने कोर्स ही डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो।